तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। लाखों की इस भीड़ में जहां हर किसी को हर रोज किसी न किसी दौड़ का हिस्सा बनना होता है, जहां जन्म और मरण के बीच का समय कहां निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता, वहां इस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी वो कोई विरला ही शख्स होता है जो इन सब से मुक्त होता है। और ऐसा ही शांत, गंभीर और मुक्त रूहानी सागर देखने को मिला सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में। बचपन में इन्हें भोला कहकर बुलाते थे। कहते हैं कि बच्चे का नाम वो रखो जैसा उसका किरदार चाहते हो, पर इनका तो किरदार ही इनका नाम हो गया भोला। चुपचाप एक कोने में खड़े रहकर सभी की बात सुनना, पिता ने जो कहा उसे सर झुकाकर सतगुरु का वचन मानना, क्लास में कोने में बैठकर हर सबक को बड़े ध्यान से समझना, और इतना ही नहीं अपने आसपास सभी संगी सहपाठियों का ध्यान भी रखना। अपनी स्कूल की शिक्षा के अगले पड़ाव के लिए आप जी को पटियाला के यादवेंद्र पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाया गया। राजपुरा से बस पर जाते हुए जब आपने देखा कि एक बुजुर्ग के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है, तो आप जी ने अपनी सीट उसे देकर खुद बस का सफर दरवाजे पर लटक कर और छत पर बैठकर तय किया। पटियाला के स्कूल में भी आप जी परिश्रम व सद्भाव के लिए एक मिसाल बन गए। खुद भूखे रहकर औरों को खिलाना, आपने दोस्ती के फलसफे को कभी जताया नहीं, सदा निभाया है। अगर किसी को भी धन की जरूरत है तो उसे खुद ना देकर किसी अनजान के हाथों पहुंचाना, ताकि लेने वाले को छोटा महसूस ना हो। देता रहा पर खुद को कभी जाहिर तूने होने न दिया, मेरे हिस्से का हर गम ले लिया, ऐ दोस्त तूने मुझे रोने न दिया। जहां एक और स्कूल में आप जी ने सभी को अपनत्व भरे स्वभाव से छुआ, वहीं आस पड़ोस वाले भी आपके इस सादगी भरे व्यवहार को बहुत पसंद करते। अक्सर भवन पर आते हुए आप जी को एक बुजुर्ग रिक्शा पर लाता, पर बीच रास्ते में जब कोई ना होता तो आप उस बुजुर्ग को पीछे बैठा खुद रिक्शा चलाते और भवन के कुछ पहले उसे रिक्शा दे देते, ताकि उस बुजुर्ग पर कोई बात ना आए और आपकी निष्काम सेवा भी सामने ना आ पाए। वक्त एक नए पड़ाव पर आ पहुंचा और आपको एफओ स्कूल दिल्ली में दाखिला दिलवा दिया गया। स्कूल जाते हुए एक रोज आपकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद पड़ गई, तो आप जी ने स्वयं उसे धक्का लगाकर स्टार्ट करके स्कूल पहुंचाया, और अब यह अक्सर होने लगा। जब साथ आए महापुरुषों ने इसका जिक्र बाबा गुरबचन सिंह जी से करना चाहा, तो आपने उन्हें भी ये कहकर मना कर दिया कि लाखों लोगों के पास तो गाड़ी भी नहीं है, मैं कोई अलग थोड़ी ना हूं। और आपकी यही बात समझा गई कि आप औरों से कितने अलग हैं।
बचपन से ही दास भाव से भरपूर, जहां एक ओर आपने दुनिया में सभी को अपने संत स्वभाव से छुआ, वहीं दूसरी ओर सेवा दल में भी भरपूर योगदान दिया। कहने को आप जी को संचालक बना दिया गया था, पर आप जी ने अपने हाथों से ही सेवा करना उचित समझा। एक बार की बात है कि लंगर की सेवा के बाद जब सभी सेवादार महात्मा अपने अपने घर चले गए, तो आप जी ने देखा कि बर्तन वहीं रह गए हैं। तो आप जी ने बिना किसी से कहे सभी बर्तन एक ठेले पर लादे और कंधों पर रस्सी डालकर उन्हें वापस पहुंचाया। केंदे ने खुदा जिसनु मुर्शद तुम्हें पाया है, हाजर हाजर जो हजूर दिसे नजराच समाया। और बलिदान का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। आगे चलकर जब मिशन के कार्यभार को संभालने के लिए आप जी को यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा गया, तब पढ़ाई में रुचि रखते हुए भी आप जी ने अपनी पढ़ाई त्याग दी। अब इससे बड़ा सबक भला और किस किताब में देखने को मिलेगा। एक तरफ तो लगता है कि सतगुरु के बेटे होते हुए भी आप इतना सरल जीवन कैसे जी पाए, और दूसरी ओर ये भी लगता है कि सतगुरु के बेटे होते हुए ही आप इतना सरल जीवन जी पाए। एक ऐसा जीवन जिसमें सबसे पीछे खड़े होकर सेवा करनी, पुत्र होकर भी सतगुरु का सेवादार बनकर गाड़ी चलानी, और जहां बाबा जी का प्रसाद होता तो उस घर के बाहर ही बैठकर प्रसाद खाना, और स्वभाववश कहीं अगर गंदगी देखी तो अपने हाथों से साफ करना और नालियों तक की सफाई कर लेना। हर दम यही कहना, मेरी शख्सियत का तो कोई भी वजूद नहीं, मैं वहीं पर होती है जहां ये निरंकार मौजूद नहीं। और इस सरलता, निर्मोह व संजीदगी के लाखों उदाहरण आपके जीवन में देखने को मिले। संगतों ने आप जी को भोला, सेठ जी, भाई साहब जी और ना जाने कितने नामों से बुलाया, पर आप जी ने अपने आप को सिर्फ साध संगत का दास ही बतलाया। यहाँ तक कि जब आप जी से शादी की बात की गई तो आप जी मौन रहे, और बहुत पूछने पर आप जी ने कहा कि सतगुरु तो सृष्टि के फैसले लेता है, तो मेरी जिंदगी का फैसला मैं कैसे ले सकता हूं, जो इन्हें मंजूर है वही मुझे कुबूल है। और फिर बाबा गुरबचन सिंह जी ने आप जी के लिए आप ही सा मुकम्मल उदार व कर्मठ जीवन साथी चुना। माता सविंदर जी, जोड़ी नर ते नार दी तो दिला विच जोत साजी एक ताते प्यारी रस्त विच है जन्म
अली अवतार ने समझया नहीं सच लेकिन सच दे संसार ने। शादी के बंधन में अपने हर कर्तव्य को बखूबी निभाते हुए आप जी ने एक गुरु सिख की मर्यादा भी खूब निभाई। विश्वास करके कह रहा विश्वास ही इंसान है विश्वास ही भगवान है। और इस भोले संत पर परीक्षा की घड़ी उस दिन आई जहां एक ओर अपने पिता का शरीर पड़ा था वहीं दूसरी ओर अपने सतगुरु के मिशन की जिम्मेदारियों का बोझ इन कंधों पर आन पड़ा था। पूरा जगत रोया, परिवार का साहस टूट गया, लाखों का ये जनसमूह अनाथ सा महसूस करने लगा। पर उन अंधेरी घड़ियों में भी आप जी ने आंसू का एक कतरा तक नहीं बहाया। ऐसा नहीं था कि आपको दुख नहीं था, पर जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी कि उसने आपको रोने तक नहीं दिया। और उस दिन जब आप जी ने अपना विराट स्वरूप दिखलाते हुए बरसों के इस मौन को तोड़ा तो बदले के भाव से भरे लाखों के इस परिवार को उम्मीद नजर आई, और उस उम्मीद का नाम था सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। सात संगत, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस पवित्र लेकर अपनी ड्यूटी को संभालने जा रहे हैं और वो अपने सिंहासन पे बैठ रहे हैं। गज के बोलो प्यारे हो, लोग जिन्होंने वीरां पैगंबरां दी आवाज दी समझ नहीं वो कहते रहे कि यह किस तरह गुरु हो सकता है, गुरु तो तत्या लोहां ते बैठा सी, गुरु तो वह होंदा है जो चखियां ते चढ़िया होंदा है, ये केड़ा गुरु है जेड़ा कारां ते फिरदा है। साध संगत आज तुहाडे सामने देख लिया कि इस च कौन जित गया ते कौन हार गया। तो साध संगत जे अज भी संसार दे लोग जो इस तरह पटके हुए सी जो इहोजियां गल्लां जाणपुणे च करदे सन दस यही अरदास करता है कि हुण भी आ के वो अपनी फुल्लां बख्शवा के इस परम पिता परमात्मा नूं अंग संग जाण के अपना जीवन सुखी कर लैण। साध संगत जी। और उसी शाम पूरे मानव जगत को संबोधित करते हुए आप जी ने ये अल्फाज भी कहे। हम कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई, साध संगत की हत्या नहीं हुई। ये संगत जिन पीरों पैगंबरों ने कहा कि तेरे पाने सर्वस्व का भला, ये उन विचारों की हत्या हुई। ये जो भाई कन्हैया जी की भावना थी ये उस भावना की हत्या हुई। पिता के शरीर छोड़ने का दर्द माँ बीवी बच्चे बहने परिवार सभी को पीछे छोड़ इन्होंने अपना हर लम्हा साध संगत के चरणों में अर्पित कर दिया। अपने लिए भले ही समय ना हो पर साध संगत के लिए हर दम समय रहा। जहां दिन संगत में बीतता वहीं रात भर जागकर
आप जी हर भक्त द्वारा दी गई चिट्ठी पढ़ते। जहां एक और भक्त अपनी व्यथा आप तक पहुंचाकर मन हल्का कर सो जाता, आप उनका बोझ अपने दिल पर लिए जागते रहे और किसी से अपने दिल की बात ना कहते हुए बस चिट्ठी पढ़ते, निरंकार से अरदास करते। एक ही सबक बार बार दोहराते, हम भूलें दोहराते, पर आप जी फिर भी मुस्कुराते और बस यही कहते कि दास ने तो अपना कर्म कर दिया, अब भक्त जन अपना कर्म करें तो और भी अच्छा, और अगर ना करें तब भी मुझे ये अजीज हैं। मेरे मालिक ऐसा बख्शन सतगुरु कहां होगा। सृष्टि के मालिक होते हुए भी आप जी माया से निर्लेप रहे। पूरा दिन सभी के घरों में चरण डालते हुए आप जी को जो भक्त श्रद्धा से भोग लगवाते आप जी ले लेते। और आप जी ने इंसान को इस कादर से जोड़ने के साथ साथ इस कुदरत को भी खूबसूरत बनाया, फिर चाहे वो वृक्षारोपण हो, रक्तदान शिविर हो, या भूकंप व बारिश जैसी आपदाएं, स्वच्छता अभियान हो, या फूड ड्राइव हो, आप जी के इस निष्काम मानवता के जज्बे को पूरे विश्व ने सराहा। सब करते हुए भी आप अकर्ता ही रहे। सद्गुरु और गुरसिख दोनों के ही किरदार को आप जी ने खूब निभाया और हर हाल में इकसार रहना सिखलाया। इश्क निभाने की वो अदा आप जी को क्या खूब आती थी, जो अल्फाज नहीं कह पाए वो आपकी खामोशी कह जाती थी। मेरे माही
सोना माही घर डेरा लाया तकड़ी ने तेरी सेवा रूनू मैं है काया रिजया तू सोना माही घर डेरा लाया तकड़ी ने तेरी सेवा रूनू मैं है काया हाँ रूनू मैं है काया ਸਿਕਾਉਣਾ ਹਏ ਓ ਨਿਮਾ ਨਿਮਾ ਮੁਸਕਾਉਣਾ ਕੀ ਖੂਬ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਗੜ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਖੂਬ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਜੋਂ ਦੱਸ ਕੀ ਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰਾ ਦਰਾਰਾ ਦਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚ ਸਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਖੂਬ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਓ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਖੂਬ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਸਾ ਮਹਿਦੂਦ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰਾ ਆ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੀ ਐ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰਾ ਆ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰਾ ਆ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰਾ ਆ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰਾ ਆ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਸਭਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾਓ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਐਨ ਅਪਡੇਟ